हेलो एवरीवन, आज हम कुछ वाटर कलर में लैंडस्केप बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में वाटर कलर लैंडस्केप बनाना बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप उसकी स्टडी थोड़ी होनी चाहिए। जितना आप वर्क करोगे, काम करोगे, बस आपका काम ही आपको सिखा देगा कि कहाँ पर क्या चीज़ करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ज़्यादातर मैं वाटर कलर पेंटिंग बनाता हूँ, वो कुछ ही वाले ब्रश से काम कर लेता हूँ मैं, कुछ इतने ब्रश से हो जाता है। वैसे ही लैंडस्केप बनाना इजी है, तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्केच करेंगे। स्केच करने के लिए एकदम लाइटली कलर पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो काम जितना होगा, आपने किया होगा, हर रोज का एक पेंटिंग बनाया होगा, स्टडी जितनी अच्छी होगी आपकी, उतना ही आप अच्छे से वर्क कर पाओगे और पेंटिंग भी थोड़ा फास्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ स्केच। तो ये सब स्टडी होनी चाहिए, जितना काम होगा, पेंटिंग बनाया होगा आपने, उतना ही आप अच्छे से हर एक चीज़ को डाल सकोगे और खेलते खेलते बन जाएगा हर एक चीज़। कुछ इस तरह से स्केच हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर एक स्केच बना देंगे कुछ इस तरह से। तो ये सब स्टडी से ही आएगा, काम से ही आएगा। 2-3 दिन वर्कशॉप करने से कुछ वाटर कलर में कुछ नहीं होता, आपका काम ही आपको सिखा देगा कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, कैसे करना है, कैसे होगा, कैसे बनेगा। कुछ यहाँ ट्री बना दी, कुछ माउंटेन यूज़ कर दिए। तो स्टार्ट करते हैं कुछ कलर। कलर में भी मैं कुछ ये वाले कलर यूज़ कर रहा हूँ, कैमलिन के ट्यूब वाले। तो जो डर है आपका, वो बस निकलना चाहिए। आप डर के अगर काम करोगे तो कुछ नहीं होगा। एकदम फ्रीली यूज़ करो कि कुछ क्लाउड बना दिए इस तरह से, ये कुछ स्काई हो गया। तो जैसी भी ब्रश यूज़ होती है, घुमाओ बस उसको, जैसा भी कुछ बनता है बस बनने दो। पानी के साथ बस आपको खेलना है, कलर के साथ खेलना है बस। क्या गलत है, क्या सही है, वो अभी कुछ देखना नहीं है, सिर्फ काम होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। यूज़ कैसे करना है, लाइट कहाँ छोड़ना है, डार्क कहाँ करना है, बस वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। तो अभी जो मैं इतना फास्ट काम कर रहा हूँ, वो स्टडी से ही आया है, काम से ही आया है। मैंने भी कम से कम 5-6 साल कंटिन्यू काम किया है वाटर कलर में, हर रोज़ एक लैंडस्केप में बनाता हूँ। तो आप भी हर रोज़ एक लैंडस्केप बनाओ, छोटी साइज करो, थोड़ा देख के भी आप वर्क कर सकते हो छोटी छोटी साइज़ में। कुछ हाउस का पार्ट हो गया कुछ इस तरह से। ऐसे ही अब ये थोड़ा गीला है, तब तक हम नेक्स्ट लैंडस्केप की ओर बढ़ते हैं। उसमें भी कुछ क्लाउड यूज कर देंगे पहले। बस आप कलर और पानी के साथ खेलो, कुछ होगा नहीं।
बिगड़ता है तो बिगड़ने दो, जितने पेपर बिगाड़ोगे वही आपको सिखा देगा कि कहाँ पर क्या चीज़ करनी है, क्या गलत क्या सही। तो आप छोटी छोटी साइज़ में ऐसे ट्राई कर सकते हो, कुछ मेमोरी भी आप डाल सकते हो। तो पेंटिंग अगर बिगड़ता है तो बिगड़ने के बाद उसको हम सही कैसे करें वो भी आना चाहिए, कि चलो बिगड़ तो गया पर उसको फिर ठीक करना है तो कैसे करें। ऐसा ही ये थोड़ा ड्राई हो गया, अब इसके ऊपर कुछ ट्री वगैरह हम ऐड कर देंगे। कुछ ट्री यूज करेंगे कुछ इस तरह से। बस आपकी ब्रश की जो टेक्निक है वो आपको ही डेवलप करनी है, कि आप कैसे ब्रश यूज कर रहे हो, कहाँ पर कैसे चीज़ को बना रहे हो, वो आपका अलग ही एक स्टाइल होना चाहिए काम करने का तरीका। किसी की कॉपी करोगे तो उसने भी कई साल की मेहनत की है तब जाके वो लेवल पे आया है और कर सकता है जो आर्टिस्ट लोग अभी बनाते हैं पेंटिंग वाटर कलर में। तो ये सब स्टडी और काम से ही आता है, किसी के सिखाने से नहीं आएगा। कुछ हाउस यूज किया हमने, खिड़की है तो लाइट से धीरे धीरे हम डार्क की ओर जाते हैं। तो वाटर कलर भी यूज ऐसे ही करते हैं कि लाइट टोन पहले होना चाहिए फिर धीरे धीरे डार्क टोन के ऊपर किया जाता है। कुछ माउंटेन पीछे स्लाइड यूज की थी। जहाँ पर जो कलर लगाना है आप लगा सकते हो, तो बस आपका जो डर है वो निकलेगा तभी एकदम अच्छे से आप वर्क कर पाओगे। जितना डर डर के आप काम करोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ बोट बना देंगे कुछ इस तरह से। छोटी ब्रश से हम बर्ड बना सकते हैं, कुछ
कुछ इस तरह से, कुछ बड़ हो गए तो कितना आसान है, एकदम कम टाइम में हम लैंडस्केप बना सकते हैं। कुछ स्केच और पेंटिंग हमारा बन गया है कुछ इस तरह से, ऐसे ही नेक्स्ट सूख गया है तो वो भी हम बनाएंगे। उसमें भी पहले हम बोर्ड बना देंगे, ट्री में भी कुछ ग्रीन कलर है या कोई भी लाइट डार्क कलर से हम ट्री भी बना सकते हैं कुछ इस तरह से। ट्री हो गई, जितना स्टडी होगा पेंटिंग बनाया होगा उतना ही आपके स्ट्रोक बॉन्ड होंगे। बना दे, कुछ नीचे से ब्रांच बना देंगे, कुछ नीचे से उसका शेडो ट्री का यूज करेंगे। जो स्पीड है वो आपकी तब आएगी जब काम किया होगा आप। तो अभी जो मैं इतनी स्पीड से बना लेता हूँ वो भी बहुत स्टडी किए तब जाके अभी मैं ये लेवल तक करता तब काम। कई सारे ऐसे मेमोरी भी आप बना सकते हो लैंडस्केप, कुछ फोटोग्राफी रेफरेंस की भी जरूरत नहीं। माउंटेन में भी हम थोड़ा सा डार्क टोन यूज कर देंगे, तो जितना लाइट टोन उतना ही लास्ट में कहाँ डार्क चाहिए कहाँ लाइट चाहिए, बस वही चीज़ आपको देखनी है। आप मन चाहे ऐसा लैंडस्केप भी कोई भी कलर में कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ फिगर वगैरह ऐड करनी है तो फिगर भी बना सकते हैं। कुछ यहाँ पर फिगर यूज करेंगे कुछ इस तरह से, कुछ फिगर हो गई।
इतने कम टाइम में हमने लैंडस्केप दो बना दिए। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करो, काम करो, बस उससे ही सीख जाओगे आप लैंडस्केप बनाना। स्टडी अच्छा होना चाहिए बस। तो हर रोज़ का आप एक पेंटिंग बनाओगे तो आप भी इतने कम टाइम में लैंडस्केप बना पाओगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।